जो ये वाला पर्टिकुलर अभी ये चंडीगढ़ में जो ये लोग रेकी वगैरह कर रहे थे, जैसे आपको उस दिन भी बताया था, तो ये लोग 8 फरवरी के आसपास से यहाँ पे ये पहुँचे हुए थे। रोहित गोदारा इस लड़की को डायरेक्शंस दे रहा था और जो गोल्डी बराड़ है वो उसकी स्टेज आ गई थी। इन्होंने पहले बिना यूनिफॉर्म के भी वहाँ पे रेकी वगैरह करके आए कोर्ट्स की, और अब इन्होंने वहाँ से वर्दी खरीद के ये जो इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेकी उसके बाद करी, और उसके बाद अब जो वेपन्स प्रोवाइड करवाने वाली स्टेज थी वो भी इनको प्रोवाइड हो गए थे जो लड़कों से। तो जो अभी हमने 2 दिन पहले ब्रीफिंग करी थी जिसमें 3 शूटर्स गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा गैंग के अरेस्ट हुए थे, तो उसी की कंटिन्यूएशन में इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें एक लेडी ये जो पूजा का नाम आया था, तो वो भी हमारी टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेस पे उसको सेक्टर 43 के बस स्टैंड से कल शाम में उसको अरेस्ट किया है। तो हमें इंटेलिजेंस मिली थी कि वो लड़की अब 43 बस स्टैंड में बस से आगे जाने के लिए वहाँ पे जाएगी, तो उसी पे हमने वहाँ पे अपनी टीम लगा रखी थी, तो उसको वहाँ से हमने अप्रिहेंड करके उसको वहाँ से अरेस्ट किया। जो अभी तक की उसकी उसको हमने जज साहब के सामने पेश करके अभी उसकी 4 दिन की रिमांड मिली है। अभी तक जो उसकी पूछताछ में सामने आया, ये लड़की झुंझुनू की रहने वाली है और ये शादीशुदा है। तो वहाँ का एक हिस्ट्री शूटर है हनी चौधरी, जिसके ये कांटेक्ट में आई थ्रू इंस्टाग्राम, उससे उसकी 1.5-2 साल से उससे बात हो रही थी, और हनी चौधरी ने ही आगे इसकी रोहित गोदारा से बात करवाई। तो इसकी डायरेक्टली सिग्नल ऐप के थ्रू रोहित गोदारा से बात होती थी, तो अभी ये वाली वारदात को अंजाम देने के लिए रोहित गोदारा ने ही इसको वहीं पे पैसे प्रोवाइड करवा के किसी बंदे के थ्रू और फ़ोन और पैसे प्रोवाइड करवा के इसको चंडीगढ़ भेजा। तो ये चंडीगढ़ में अलग अलग चंडीगढ़ में नया गांव में ये अलग अलग जगह पे रुकी, और इसको वैसे ही जैसे पहले आपको बताया था अलग अलग लोग रुकवाते थे अलग अलग जगह पे, इसको पैसे प्रोवाइड करवाते थे, फ़ोन प्रोवाइड कराते थे। तो उसी कड़ी में ये जो है वो जो सनी और उमंग की भी इससे मुलाकात करवाई गई। ये लड़की रोहित गोदारा के कॉन्टैक्ट में रहती थी, और जो पहले वो सनी उमंग टाइगर पकड़े हैं वो लोग गोल्डी बराड़ के कांटेक्ट में रहते थे। तो इन्होंने मुलाकात करी, उसके बाद ये इकट्ठे 43 में रुके भी हैं, और उसके बाद इन्होंने रेकी करी है कोर्स की, इन्होंने इकट्ठे शॉपिंग भी करी है, और जब कल इसको हमने अरेस्ट किया है तो इसके वहाँ से वो जो वकीलों वाली वर्दी थी लड़कियों वाली वो भी साथ में रिकवर हुई है। और साथ में जो 2 लड़के और हमने अरेस्ट किए हैं, अमनप्रीत और परविंदर, ये सारी इनको लॉजिस्टिक हेल्प प्रोवाइड करवा रहे थे, वो जो सचिन उमंग इन्हीं के यहाँ पे रुके हुए थे 4-5 दिन के लिए, और ये लोग ही वो जो विक्की चौहान फाइनेंसर है, विक्की चौहान इन्हीं को डायरेक्शन देता था, ये लोग पैसे प्रोवाइड करवाते थे। तो ये लोग जो हैं ये विक्की चौहान के कॉन्टैक्ट में रहे हैं, उसका हमें एविडेंस भी मिला है, और अभी हम विक्की चौहान को एग्जैक्टली ट्रेस कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है। अभी तक उसका आ रहा है कि शायद वो बाहर भाग गया है। तो ये अभी तक की ये इन्वेस्टिगेशन में टोटल 6 लोग अरेस्ट हुए हैं और आगे का हम कर रहे हैं, और वो फिर भी हम जो सारा रिकॉर्ड है उसको खंगाल रहे हैं। ये बताएं कि इन्फ्लुएंस कैसे हुए सोशल मीडिया के थ्रू, ये कैसे उनके नहीं, वो तो वही ये जो भी वीडियोस वगैरह चलती हैं, ऑडियोज वगैरह चलती हैं यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ये लगभग 2.5-3 साल से ये प्रभावित लग रही है उस कल्चर से। ये सारी लॉजिस्टिक्स ये प्रोवाइड करवा रहे थे, ये इनको जैसे लड़कों को रेलवे स्टेशन से उठाने की बात है, जब उनको वहाँ से पिकअप किया तो इन लोगों ने पिकअप किया वहाँ से, उसके बाद वहाँ रुकवाया इन्होंने काफ़ी दिन, उसके बाद पैसे भी इन लोग ये करवा रहे थे। अनमोल जो ये अमनप्रीत सिंह है, नहीं नहीं इनको बिल्कुल पता था जी, इनको डायरेक्टली वहाँ से डायरेक्शंस आ रही थी उन्हीं के नेटवर्क के थ्रू, गोल्डी बराड बिश्नोई इनके नेटवर्क के थ्रू इनको डायरेक्शंस आ रही थी कि उस बंदे को इतने इस टाइम पे जाके पैसे देने हैं। तो सर अभी तक कुछ और भी कुछ निकला हो, कोई और भी नेक्सस जो है यहाँ पर ट्राई सिटी में काम कर रहा हो, क्योंकि ये कल्चर जो है वो देखने को मिल रहा है कि नहीं नहीं जी, इसी को इसकी ही हम इन्वेस्टिगेशन पूरा बैकवर्ड और फॉरवर्ड इसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जो भी किसी भी तरीके की लॉजिस्टिक फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सब के ऊपर भी हम देख रहे हैं पूरी ट्राई सिटी में कहीं भी क्या चल रहा है, और जो भी इनको फाइनेंशियल मदद दे रहे हैं तो हर एंगल पे हम देख रहे हैं, जो भी ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी, जो हम उनको भी नॉमिनेट करके जो पूरी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का वो है वो भी सब हम कार्रवाई पूरी करेंगे। सर ये लड़की जैसे इसने AK-47 वगैरह का टैटू भी बनवाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये वो गैंगस्टर कल्चर से हमें इम्प्रेस लग रही है कि ये 3-4 साल से सॉन्ग्स देख के या सोशल मीडिया के थ्रू
ये गैंगस्टर्स से थोड़ी प्रभावित थी और उस दुनिया में ये अपने आप को लेके जाना चाह रही थी। रोहित गोदारा के जैसे कि गोल्डी बराड़ ने रोहित गोदारा को यहाँ पे दे रखा था, गोल्डी बराड़ ही पूरा ऑपरेट करा रहा था। नहीं, दोनों पैरेलल ही चल रहा था जितना भी इनसे इंटरोगेशन में सामने आया। जो लड़के थे उनकी बात सिर्फ रोहित गोल्डी बराड से हो रही थी और लड़की की सिर्फ इससे हो रही थी, वो आपस में जो बात कर रहे होंगे, बट इधर वो इनको जो जितनी जितनी डायरेक्शंस की ज़रूरत है उतनी उतनी इनको डायरेक्शंस दे रहे थे। इस लड़की को सर टोटल कितने पैसे मिले थे फायरिंग करने में? नहीं, इनको तो जैसे उस दिन भी बताया, अभी भी जैसे उसके बाद भी लड़कियों के पकड़े जाने के बाद भी अराउंड 5-6 दिन हो गए हैं ये यहीं पर रुकी हुई थी, तो इनको अलग अलग माध्यम से रोज 20-25 हज़ार तो इनको भेजा जा रहा है। मतलब इनका रॉयल लाइफस्टाइल ऐसा नहीं कि कुछ बहुत गरीबी में रह रहे हैं।